आज मैं बनाने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल अपने गणपति बप्पा के प्रसाद के लिए। बहुत बहुत स्वादिष्ट, टेस्टी, एकदम यूनिक स्टाइल के इंस्टेंट और झटपट बनने वाले सूजी और कोकोनट के मोदक। सिंपल सी रेसिपी है, घर में रखी सामग्री से आप बहुत ही स्वादिष्ट और नरम, मतलब कि ऐसे कि मुँह में घुल जाने वाले कोई मावा नहीं, कोई चाशनी नहीं और कोई बिना किसी मोल्ड के मैं बताने जा रही हूँ आपको मोदक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने लिया है फ्रेश कोकोनट, जो पानी वाला नारियल होता है वही कोकोनट मैंने लिया है। और इसका जो ब्राउन वाला पार्ट है उसका उसको हम अलग कर लेंगे, इसका छिलका हम निकाल लेंगे चक्कू की हेल्प से। तो मैंने इसका ब्राउन पार्ट अलग कर लिया है, अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। फिर हम इसको जब मिक्सी में पीसेंगे तो आराम से अच्छे से पीस जाए, अगर मोटे मोटे पार्ट होंगे तो पीसने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इसके छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेंगे। तो ये मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और अब हम मिक्सर का जार लेंगे और इसमें हम इसको अच्छा सा पीस लेंगे। तो मिक्सी के जार में जो कोकोनट के जो पीसेस किए थे वो सब हम इसमें डाल देंगे और फिर अब इसका एक हम दरदरा सा इसको पेस्ट बना लेंगे। तो सारा मैंने इसमें डाल दिया है और जब तक मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें एक चम्मच मैंने देसी घी डाला है और इसमें डाली मैंने एक कटोरी सूजी। सूजी को भी अच्छा सा भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाए। तो हम आज सूजी के और कोकोनट के मोदक बनाने जा रहे हैं। तो सूजी का से इसका जो है ना अच्छी इसकी बाइंडिंग आएगी और बहुत ही मस्त इसका टेस्ट आएगा। तो सूजी को मैंने भून लिया है, जब तक मैंने इसको भी दरदरा पीस लिया है, जो कोकोनट था अच्छे से पीस गया है। इतना फाइन पाउडर बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा मोटा ही रखना है। और हमारी जब सूजी है उसको हम ठंडा कर लेंगे। तो सारे कोकोनट पाउडर को इसको पेस्ट को मैंने इसमें प्लेट में निकाल लिया है। सूजी में अच्छे से भुन गई है, गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे, नहीं तो हमारी सूजी जल जाएगी। उसके बाद में इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि हल्की सी कढ़ाई जब तक गर्म होती है उसको चलाते रहेंगे ताकि सूजी हमारी जले नहीं। तो सूजी में से बढ़िया सी खुशबू भी आने लग गई है। तो सूजी मैं तैयार है और उसी कढ़ाई में मैंने वो जो कोकोनट का पेस्ट था वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है और इसको हम पकाएंगे, भूनेंगे इसको थोड़ी देर तक। और उसमें डालूंगी मैं एक चम्मच देसी घी और देसी घी डालकर इसको कोकोनट के जो पेस्ट है उसको हम अच्छे से भून लेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि कढ़ाई पर चिपके नहीं। तो कोकोनट को अच्छे से हमें भूनना है और इसको हल्का हल्का हम हाथ से चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। डालूंगी एक कप दूध और दूध डालकर कोकोनट का जो पेस्ट है उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूध के साथ में इसको अच्छे से पकाना है। तो दूध और कोकोनट को मैं मिक्स करके इसे 2 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी। तो कोकोनट ने दूध को सारा सौंख लिया है, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने सूजी भून कर रखी थी, सूजी हम इसमें ऐड कर देंगे और सूजी को भी कोकोनट के साथ में मिक्स करके इसे भी हम पका लेंगे। तो दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और चलाते रहेंगे लगातार। तो इसमें से बहुत ही मस्त खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे हमारे मोदक बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही बढ़िया बनते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं फ्रेंड्स। आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, बहुत ही मस्त बनेंगे आपके भी। तो ये सूजी को मैंने कोकोनट में अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको भी हमें 5 मिनट तक पकाना है। अब मैं इसमें एक कटोरी मैंने चीनी ऐड की है, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद में हम इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद में चीनी जो है मेल्ट होएगी, थोड़ा सा पानी छोड़ेगी और इसमें मैंने एक कप दूध और ऐड किया है। फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा चीनी डालने के बाद में ये दूध डालने के बाद थोड़ा सा पतला होगा, पतला होने के बाद में हम इसे वापस से लगातार चलाते रहेंगे और 5 मिनट तक इसे और पकाना है, जब तक कि सारा दूध और चीनी जो है हमारी कोकोनट और सूजी जो है चीनी और दूध को सौंख नहीं लेते, जब तक हम इसे पकाना है, जब तक इसे हम पकाते रहेंगे और लगातार चलाते और रहेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची का पाउडर, इलायची पाउडर से तो बहुत ही मस्त खुशबू आती है और बहुत ही इसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है, टेस्टी हमारी मिठाई बनकर तैयार होती है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हमें लगातार चलाते जाना है ताकि कढ़ाई पर चिपके नहीं। और जब ये कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा तो इसका मतलब है हमारा मिश्रण एकदम रेडी है। और अब इसमें डाला मैंने एक कटोरी मिल्क पाउडर, तो मिल्क पाउडर डालने से तो हमारी जो मोदक है उसका टेस्ट एकदम मावे जैसा आएगा, बिल्कुल मावे की भी मावे के जो बाज़ार वाले मोदक होता है बिल्कुल टेस्ट में वैसे ही हमारे मोदक बनकर तैयार होंगे। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक इसे और पका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा मिश्रण एकदम तैयार है, दूध और चीनी बिल्कुल सौंख गई है और ये इसने कढ़ाई भी छोड़ने लग गया है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद में इसे हाथ में लेकर हम इसके इसका राउंड शेप में इसको करेंगे, जिस साइज़ में आपको चाहिए उस साइज में आप इसकी इसको राउंड शेप में गोल कर लेंगे। तो अब हम इसको मोदक का शेप देंगे। तो आज हम इसे बिना किसी मोल्ड के बना रहे हैं, तो मैं हाथों की सहायता से इसको शेप दूंगी। तो इसे मैंने राउंड शेप में गोल गोल बना लेंगे, उसके बाद में हल्का सा इसे हथेली से दबाते हुए इसे हम मोदक का शेप देंगे।
तो ही मैंने इसको मोदक का शेप दे दिया। अब मैंने एक फोक की सहायता से हम इसे इसमें निशान बनाते जाएंगे ताकि हमारे मोदक बिल्कुल दिखने में मार्केट के जैसे ही स्टाइल में बिल्कुल मार्केट जैसे ही हमारे मोदक लगे। तो फोक की हेल्प से मैं इसमें निशान बनाती जाऊँगी। तो देखिए इस टाइप से हम इसमें निशान बना देंगे। तो फ्रेंड्स लग रहे ना एकदम बढ़िया बिल्कुल मार्केट जैसे हमारे मोदक। तो ये मैंने ऐसे ही हम सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। बिना किसी मोल्ड के भी हम मोदक बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं हमारे मोदक। तो ऐसे ही सारे मोदक को मैं शेप देती जाऊंगी। और ये मैंने लिया है थोड़ा सा कोकोनट पाउडर, उसमें हम इसको कोट कर लेंगे चारों तरफ इसे अच्छे से लपेटते हुए। कोकोनट से हमें कोट कर लेना है। तो सारे मोदक में इसी तरह से बनाते हुए हमको कोकोनट पाउडर में इसको मैं कोट करती जाऊंगी। तो ये कितना बढ़िया हमारा मोदक बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स एक और बनाकर दिखाती हूँ। तो इसको भी मैंने ऐसे हाथों से करते हुए दबाते हुए इसे मोदक का शेप दे दिया है और फोक की हेल्प से इस पर मैंने निशान बना दिए हैं। और इसको भी हम नारियल के बोरे में कोट कर लेंगे। तो ये हमारे बढ़िया से मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई, अभी हमें थोड़ा फिनिशिंग बाकी है, मतलब इसका इसकी सजावट और बाकी है। वैसे हमारे मोदक बनकर तैयार हैं, तो अब हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही मस्त बनते हैं, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लाजवाब है। तो आप भी इस बार गणेश चतुर्थी पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे लगेंगे सबको। बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए अब इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैंने इसे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लिया है। तो एक एक ड्रॉप जो है हम इसके ऊपर डालते जाएंगे, ऊपर से हम इस पर एक एक ड्रॉप डालते जाएंगे ताकि हमारे जो मोदक है दिखने में बहुत ही मस्त लगे, लुकिंग वाइज बहुत ही अच्छे बढ़िया बिल्कुल मार्केट स्टाइल के हमारे मोदक दिखे। तो ये देखिए एक एक ड्रॉप मैं इस पर डालती जा रही हूँ। और तो ये हमारे जो मोदक है बहुत ही मस्त दिख रहे हैं, कलर इसका बहुत ही बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा मैंने इसको और डेकोरेट कर लिया है, थोड़ी सी मैंने इस पर टूटी फूटी लगा दी है, थोड़े से पिस्ते से इसको डेकोरेट कर लिया है। तो ये लीजिए हमारे बिल्कुल मस्त वाले मोदक बनकर तैयार है। कोकोनट सूजी के मोदक हमारे बनकर तैयार है, बहुत ही रसीले जूसी सुपर टेस्टी मोदक बनकर तैयार है। और गणपति बापा के तो ये वैसे ही प्रिय होने वाले हैं, और गणपति बापा को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो लग रहा है बहुत ही डिलीशियस। तो आप भी बनाकर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इस गणेश चतुर्थी पर ट्राई ज़रूर करना। तो ये गणेश जी का प्रसाद बनकर हमारा बिल्कुल रेडी है। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट रेसिपी में अच्छी अच्छी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, बाय बाय, टेक केयर।